महोत्सव की। देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है लेखिका महाश्वेता देवी की कहानी। लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी माँ धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। उनकी पहली पुस्तक झांसीर रानी, झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। ये रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत व्यक्तिगत इतिहास का चित्रण है, जो एक असाधारण महिला थी। बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सोच की बालिका से एक स्वतंत्र युवा नेता के रूप में विकसित हुई थी। उन्हें एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में दिखाया गया।